दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। ये लफ्ज़ कहे थे लेफ्टिनेंट हडसन ने जब वो गिरफ्तार करने गए थे भारत के मुग़ल शासक बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के तहत। और इन शब्दों का रिप्लाई कुछ इस तरीके से दिया था बहादुर शाह जफर ने, गजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो उस समय हमारे देश को अंग्रेज़ों ने जकड़ा हुआ था और कंडीशन आज भी सेम है, आज हमारे देश को जकड़ा हुआ एक कोरोना वायरस ने, लेकिन हमको अपनी एकता और अपने अंदर जो हमारे पेशेंस है उनको रखते हुए इस महामारी का सामना करना है और एक नए सिरे से भारतीय जीवन की शुरुआत करनी है। और इसी को लेकर देखिए हम बात करेंगे आज लॉकडाउन की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस समय मुद्दा। हर शख्स हर व्यक्ति के जबान पर एक ही शब्द है लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, लेकिन क्योंकि हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो हम इसको लेकर कुछ मुख्य तथ्यों की बात करेंगे कि क्या है लॉकडाउन, किस एक्ट के तहत लगाया जाता है, क्या है धारा 188 और अभी जो अध्यादेश आया है उसका मैटर क्या है, क्या तीनों चीज़ें मेंशन करती हैं। आज हम इन तीन बड़े प्रश्नों का आंसर खोजने का प्रयास करेंगे। एक तो महामारी रोग अधिनियम 1857 क्या है, आईपीसी की धारा 188 क्या है जिसका जिक्र बार बार अखबार या फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा होगा, और नंबर थर्ड महामारी रोग संशोधन अध्यादेश, अभी ऑर्डिनेंस एक गवर्नमेंट लेकर आई है, ठीक है, इसी महामारी रोग अधिनियम में संशोधन किया गया है वो क्या है उसको भी हम समझेंगे। तो आज बिल्कुल आप आने वाले एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे जुड़ा हुआ तो वो सारी बातें आज क्लियर कर दी जाएंगी, अब तक की क्या मसला था, क्या कौन सी धारा लागू गई, क्या किस प्रकार से लॉकडाउन लगाया जाता, क्योंकि आप सभी जानते हैं आज 2-3 महीने पहले की बात करें तो ये लॉकडाउन शब्द आपने कभी नहीं सुना होगा, अभी आप सुनने मिल रहा है। तो किस एक्ट के तहत लगाया जाता है, क्या प्रोसेसिंग है, सारी बात आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आज महामारी रोग अधिनियम 1857, ठीक, क्या था ये मैटर, क्या एक्ट था। तो आपको बताएं ये एक्ट आज का नहीं है, आज से 123 साल पुराना ये एक्ट अधिनियम है जिसको अंग्रेज सरकार हमारे यहाँ 123 साल पहले आप सभी जानते हैं अंग्रेजों का शासन था, और उस समय जो महाराष्ट्र है महाराष्ट्र में एक बीमारी फैली हुई थी प्लेग, और प्लेग बीमारी के तहत ही इसको भारत में जारी किया गया था, लागू किया गया था किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, महामारी रोग अधिनियम 1857। और आपको बताएं आज से पहले इसका उपयोग दुरुपयोग बहुत हुआ, अंग्रेजों ने इसका काफ़ी दुरुपयोग किया, इसमें जो इसके माध्यम से लोगों को प्रताड़ना दी गई, ठीक है, उनको गिरफ्तार कर लिया, तो इसका दुरुपयोग बहुत किया अंग्रेजों ने, जिसको लेकर आपको बताएं बाल गंगाधर तिलक वो भी इससे रिलेवेंट है, इसका विरोध किया था, उनका एक न्यूज़पेपर संचालित था, मैंने आपको बताया था केसरी, उसमें इन्होंने अंग्रेजों की इसकी जो उन्होंने इसके माध्यम से अत्याचार किए उनको वर्णन किया है केसरी अखबार में। तो ये 1857 लागू, लेकिन आज क्या क्या है इस एक्ट में, पहले ये बात कर लेते हैं। तो आपको बताएं इस एक्ट में चार धाराएँ और लगभग सबसे छोटा एक्ट है ये अब तक का, मात्र चार धाराएँ हैं इसमें, ठीक है, क्या है उन चार धाराओं का वर्णन उनको भी आप देख लेते हैं, फिर अभी लॉकडाउन से क्या रिलेवेंट है वो भी हम समझेंगे, लॉकडाउन से इसका क्या लेना देना, क्लियर है भाई। तो देखो धारा वन इसकी कहती है संक्षिप्त नाम, यानी कि इसका जो नाम है उसका वर्णन और इसका विस्तार, तो आपको पता है इसका विस्तार इस समय संपूर्ण भारत में इस एक्ट का। और धारा टू में क्या है, धारा टू इसके प्रावधान कराती है कि जो भारत में यदि कोई महामारी फैलती है तो जो राज्य सरकार है वो राज्य सरकार उस महामारी से संबंधित उपाय कर सकती है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का अनाउंसमेंट कर दिया, लोगों से ये कहेगी, फिर आपकी जगह जगह जांच हो सकती है, इसके टू बी में प्रावधान है जैसे रेल है या बंदरगाह है वहाँ पर लोग आते हैं तो उनकी मतलब चेकअप हो सकता है, उनको क्वारंटीन किया जा सकता है, ये सारे प्रावधान किसके तहत किए गए, धारा दो के तहत आपसे कहा जाएगा, कुछ नियम बना सकती है कि हाँ भाई ऐसा करिए आप ऐसा करिए, तो सारे प्रावधान महामारी को लेकर वो धारा टू के तहत कौन कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, और यही सारे प्रावधान धारा टू का यानी कि जो धारा टू ए इसमें केंद्र को शक्तियां हैं, केंद्र महामारी संबंधित उपाय कर सकती है, नियम बना सकती है, नियम कायदे ये सारे प्रोसेस किसको दिए गए हैं, केंद्र सरकार को। अब जो इसकी धारा तीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा तीन ये प्रावधान कराती है कि यदि कोई
गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाया गया कि हाँ भी आपको ऐसा करना है, घरों से नहीं निकलना है या फिर आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना है, कोई भी नियम कायदे बना दिए और आप क्या कर रहे हैं, उस नियम कायदे को तोड़ रहे हैं। ठीक, आप नहीं मान रहे उसको, आपसे मना किया घर से बात कर लिए, हॉटस्पॉट एरिया आप घर से निकले और घूम रहे हैं, तो आपको पकड़ लिया जाएगा और ये माना जाएगा कि आपने धारा 188 IPC की धारा 188 के तहत अपराध किया और उसके तहत ही आपको सजा दी जाएगी। अब कन्फ्यूजन ये आपके दिमाग में आएगा कि धारा 188 क्या है, तो अगला टॉपिक मैं आपको यही समझाऊंगा कि धारा 188 क्या है। लेकिन आपको बताएं कि यदि लॉकडाउन इसके महामारी के तहत जो कानून बनाए गए हैं यदि आप उनको तोड़ते हो तो ये माना जाएगा कि आपने धारा 188 के तहत क्या किया है, अपराध किया है। ये इसकी धारा 3 कहती है। धारा 4 कहती है कि अधिनियमन करने वाले जो व्यक्ति जैसे पुलिस वाले हैं, जो लोग इसको मतलब अधीन है, इसको मतलब अप्लाई कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी कि आप क्यों घूम रहे हो, पुलिस वाले से पूछ लो आप क्यों घूम रहे हैं, तो उनको संरक्षण है, उसको इसमें संरक्षण दिया गया उन लोगों को। ठीक है, जो इस अधिनियम को मतलब लागू कर रहे हैं, लागू करने वाले लोगों के लिए संरक्षण है। कौन कहती है? धारा 4 कहती है। अब लॉकडाउन से क्या मतलब है? तो लॉकडाउन से ये मतलब है, आपको बताएं कि 11 मार्च 2020 को क्या किया गया, सरकार द्वारा धारा 2 लागू कर दी गई इस एक्ट की धारा 2 लागू कर दी गई 11 मार्च 2020 को गवर्नमेंट के द्वारा। धारा 2 क्या है कि भाई राज्य सरकार को निर्देश दे दिए कि आप क्या करें भाई, इस महामारी से लड़ने के लिए उपाय करें, लोगों में ये बातें फैलाएं, ठीक है, कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें या फिर जगह जगह आप जाँच भी कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं कि हाँ भाई आप बाहर से आए हैं, आपको पहले जाँच करानी होगी। ये सारी व्यवस्थाएँ लागू हो गई 11 मार्च से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने धारा 2 लागू कर दी, किसकी भाई? महामारी रोग अधिनियम 1857 में इसकी धारा 2 लागू कर दी। कब? 11 मार्च को। ठीक है, अब क्या हुआ, जब 24 मार्च को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अनाउंसमेंट आया लॉकडाउन के लेकर कि भाई 21 दिन का क्या रहेगा आपका, 14 अप्रैल तक क्या रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, भारत बंद रहेगा, तो लॉकडाउन जो था, तालाबंदी जो थी, उसमें क्या किया गया, उसमें ये 3 धाराएं, धारा 2, धारा 3, धारा 4, जो 3 धाराएं हैं, इन धाराओं को लागू कर दिया गया। और लॉकडाउन का मतलब ही 1857 की इन 3 धाराओं का लागू होना। ठीक है, इसमें नियम कायदे बना दिए गवर्नमेंट ने। अब जो भी नियम कायदे बनाए लॉकडाउन में सब अंदर रहेंगे, और यदि आप उसको नहीं मानते हो तो धारा 3 लागू है आप पर, 188 के तहत क्या हो जाएगी, कार्रवाई होगी। तो जैसे ही 24 मार्च को धारा 2, धारा 3 और धारा 4 लागू हुई, उसी के साथ ही IPC की धारा 188 भी क्या हो गई, लागू। क्योंकि जब 1857 अधिनियम की धारा 3 लागू हो जाएगी तो धारा 188 स्वतः ही लागू हो जाएगी। क्लियर है IPC की? तो ध्यान रखेंगे लॉकडाउन के तहत ये धाराएं 1857 अधिनियम की, 1857 अधिनियम की लागू कर देंगे, धारा 2, धारा 3, धारा 4। तो ये था महामारी रोग अधिनियम 1857। ठीक है, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, इसमें 4 धाराएं, 4 धारा के तहत क्या क्या प्रावधान है, क्लियर कर दिया सारी बातें। 11 मार्च को धारा 2 लागू कर दी गई और जैसे ही 24 मार्च को अनाउंस किया गया लॉकडाउन का, उसके साथ ही धारा 2, 3 और 4, ये तीनों धाराएं लागू कर दी गई। इनमें क्या प्रावधान था आप समझ ही गए हैं, क्लियर हो गई होंगी सारी बातें। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है हमारा धारा 188, यानी कि धारा 188 IPC की, ये क्या है। ठीक है, जो धारा 3 में इस अधिनियम के दी गई है, तो अगली चर्चा करेंगे हम धारा 188 को लेकर, IPC की क्या प्रावधान है, और उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक जो अभी एक ऑर्डिनेंस आया, अध्यादेश आया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये लॉकडाउन जो है वो किस एक्ट के तहत लागू किया गया, महामारी रोग अधिनियम 1857 में, कितनी धाराएं हैं, 4, इसकी धारा 2 लागू कब की गई, 11 मार्च 2020 को अभी, ठीक है, और बाकी 3 धाराएं कब, 24 मार्च को अनाउंसमेंट जैसे हुआ, 25 मार्च से लॉकडाउन जैसे ही लागू किया गया, तो उसके तहत धारा 2, 3 और 4 लागू कर दी गई। क्लियर है, अगर पूछा जाए कि इस एक्ट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था इस समय भारत में, तो कर्नाटक ने सबसे पहले इस एक्ट 1857 एक्ट को अपने प्रदेश में लागू किया। ठीक है, इसकी कुछ धाराओं को लागू किया। तो हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की, IPC की धारा 188 क्या है। क्लियर है भाई, चलिए अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जो मैंने आपको बताना था कि IPC की धारा 188। तो सबसे पहले बात करते हैं IPC, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता।
भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की धारा 188 है। अब आपको बताते हैं भारतीय दंड संहिता क्या चीज है, तो आपको बताएं एक कानून जो हम अपराध होते हैं और उनसे संबंधित अपराध की परिभाषा और उस अपराध के लिए क्या सजा हो, यानी कि अपराध की परिभाषा, अपराध क्या है, ठीक है, और उस अपराध के लिए किस सजा का प्रावधान है, ये सारी बातें एक पुस्तक में लिखी हुई हैं। उस पुस्तक का नाम क्या है, भारतीय दंड संहिता, सीधे सीधे आप समझें। और आपको बताएं इस भारतीय दंड संहिता को बनाया गया था 6 अक्टूबर 1860 को, कंप्लीट हो गई थी बनकर तैयार, लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था 1862, इसलिए इसको IPC 1860 बोला जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था इतिहास में। और अब आपकी क्लास आएंगी इतिहास की तो आपको बता दिया जाएगा कि इंडियन पिनल कोड क्या है, लेकिन यहाँ पर इतनी जानकारी काफ़ी है कि इसका निर्माण 6 अक्टूबर 1860 को हो गया था, लागू हुई थी 1862 में, है क्या इसमें अपराध की परिभाषा और अपराध के लिए दंड या सजा का प्रावधान है। इसमें टोटल भाई कितने हैं, टोटल भाग कितने हैं, चैप्टर 23, इसमें टोटल 23 भाग हैं और धाराएँ कितनी हैं, 511, उन्हीं में से एक धारा है 188 जो इसमें प्रवर्त है, इस समय लागू है, उसके बारे में हमें जानना है। क्लियर हो गई, मैंने सारी एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दी है। अब देखिए धारा 188, धारा 188 जो इस समय, इसके दो पॉइंट हैं, धारा 188 के दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंटों में क्या प्रावधान है उनको पढ़ना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि धारा 188 किस भाग IPC के किस भाग में है, तो ये IPC के भाग 10 में है धारा 188। इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि किसी लोक सेवक के द्वारा कोई आदेश दिया गया, ठीक है, और उसको आप नहीं मानते हो, और उसके नहीं मानने से, और लोक सेवक का आदेश ऐसे, जैसे DM ने कोई आदेश दिया, तो DM ने ऐसे आदेश दिया, वो बाकायदा नियम कायदे के साथ कोई आदेश दिया गया है, ठीक है, और उस आदेश को आप नहीं मानते हो, और नहीं मानने से आपके, जैसे सपोज दैट पुलिस वाले खड़े हुए हैं ऐसे तैनात, आपने आदेश नहीं माना, आप चले गए वहाँ से, गुजर गए, उनके बैरियर उड़ा दिए, उनको चोट आ गई, बाधा पहुँच गई उन लोगों को जो वहाँ पर तैनात थे, ठीक है, तो आपने धारा 188 का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि लोक सेवक ने विधि पूर्वक एक आदेश दिया, उसने आपको नहीं माना, उसके नहीं मानने से कुछ लोगों को क्या हो गई, बाधा हो गई। अब बाधा हो गई तो इस केस में आप पर कार्रवाई की जाएगी, आप सजा के लिए उत्तरदायी हैं, और आपको सजा इस 188 के तहत प्रावधान है 200 रुपये जुर्माना, आपको निश्चित अवधि के लिए कारावास, अधिकतम 1 माह के लिए, या फिर दोनों, 200 रुपये और 1 माह के लिए कारावास, दोनों हो सकते हैं। इसका पहला पॉइंट कहता है ये। अब हुआ क्या, आपसे बोला गया आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आप बाहर मत निकलिए, आप ऐसा मत करिए, लेकिन आपने क्या करा, आप बाहर निकले और आपने कोई ऐसा काम कर दिया, जैसे सपोज दैट आपको कोरोना पीड़ित हो आप, और आपने जाके सबसे गले मिल लिए, सब में फैला दिए वो बीमारी, और जबकि ऐसा नहीं करना था, तो आपने, आपको लोक सेवक ने आदेश दिया कि घर में रहिए, आप क्वारंटीन रहिए, लेकिन आपने क्या करा, आदेश की अवहेलना कर दी, आप बाहर निकले, सबसे हाथ मिलाए, सब कुछ कर दिया। अब इससे किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे मानव जीवन स्वास्थ्य सुरक्षा सबको क्या हो गया, सबको खतरा उत्पन्न हो गया, आपने सब में फैला दिया, तो फिर आपको पकड़ा जाएगा और आप सजा के लिए उत्तरदायी हैं, और वो सजा क्या होगी, आपको अधिकतम 6 माह तक और 1000 रुपये क्या होगा, जुर्माना, या दोनों भी आपसे लिए जा सकते हैं। तो धारा 188 के तहत क्या है, यदि आप किसी भी लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करते हैं, तो धारा 188 का पहला पॉइंट कहता है 1 माह के लिए सजा और 200 रुपये जुर्माना, और यदि आप आदेश की अवहेलना करते हैं और उससे किसी मानव जीवन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो उस समय आपके लिए सजा का प्रावधान है 6 माह अधिकतम और 1000 रुपये का जुर्माना। तो बात समझ में आई धारा 188 क्या है। तो यदि आप ऐसा कहीं अभी जाते हो, अवहेलना करते हो, आपसे बोला कि आप नहीं निकले और आप बाहर निकल के पकड़े गए, तो आप पर धारा 188 लगा देगा वो आपसे, ठीक है, 200 रुपये जुर्माना और एक आपका 1 माह के लिए सजा का प्रावधान। यदि नीचे वाली कंडीशन फॉलो करते हैं तो आपको 1000 रुपये जुर्माना और 6 माह तक के लिए आपको क्या हो जाएगा, कारावास। तो ये आप नोट कर सकते हैं धारा 188 ये, और ये IPC के भाग 10 में है। IPC के बारे में मैंने आपको ब्रीफ से समझा दिया, ठीक है। अब तीसरा टॉप पॉइंट क्या है हमारा, मैं सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आज सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएंगी, और फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है मसला। क्लियर है भाई। तो अब लोग हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में, जो होगा ऑर्डिनेंस, जो अभी अध्यादेश आया है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। इसको आप नोट कर सकते हैं ठीक प्रकार से, पॉज करके वीडियो।
और देखिए अब बात करते हैं हम अध्यादेश की, ऑर्डिनेंस की जो अभी आया। तो मसला क्या था, जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लॉकडाउन लगाया गया, पीएम मोदी ने आदेश कर दिया और फिर 1857 का जो एक्ट था उसकी धाराएं 2, 3, 4 भी लागू हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, जब जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं उन्होंने लोगों की जांच कर ली, निरीक्षण हुए, जांच हुई, क्वारंटीन वाला सिस्टम चला, तो कुछ लोगों ने जो स्वास्थ्यकर्मी आपके घर तक जा रहे हैं, ठीक है, जाँच करने के लिए अगर सूचना मिल रही है, तो उन पर पथराव कर दिए। आपने देखे हुए आए दिन बहुत सारी घटनाएं आई थी, कुछ लोगों ने उन पर क्या करा, पथराव करा, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। तो इसके संदर्भ में हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एक ऑर्डिनेंस लेकर आए और उन्होंने क्या करा, ये ऑर्डिनेंस के तहत संशोधन किया गया। किसमें संशोधन किया गया, जो 1857 का डिसीज एक्ट था, महामारी रोग अधिनियम जो था 1857 का, इसमें संशोधन किया गया। क्या किया गया, इसमें संशोधन ये किया गया जो स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध कृत्य किया जाएगा, ठीक है, उसको गैर जमानती अपराध बना दिया गया। जिससे कि अगर सिंपल सी बात है भाई, अगर स्वास्थ्य कर्मियों को आप नुकसान पहुंचाओगे, वो डर जाएंगे, वो ही नहीं आएंगे, तो फिर बहुत बड़ा बेकरार रूप लेगी महामारी। अगर उन्होंने हाथ पैर पीछे अपने कर लिए, वो अगर सपोर्ट में नहीं आए तो फिर बेकार हो जाएंगे, सारा देश बहुत बड़ी इस प्रॉब्लम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर डॉक्टर्स लोग जो हैं वो अगर पीछे हट जाएं, वो बेचारे इस कोरोना वायरस की जो बहुत बड़ी महामारी चल रही है इसमें आपके साथ हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसको लेकर हमारे राष्ट्रपति जी ने एक अध्यादेश जारी किया। क्या अध्यादेश जारी किया, कि यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा करता है तो उसको उसके लिए प्रावधान किया गया है कि यहाँ 3 माह से लेकर 5 वर्ष के लिए कैद, ठीक है, और 50,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है अगर आप हिंसा करते हैं स्वास्थ्यकर्मी से। सेकंड, यदि आप हिंसा के दौरान गंभीर चोट पहुंचाते हैं, स्वास्थ्यकर्मियों को गंभीर चोट पहुंच जाती है, उनकी जो अपने एम्बुलेंस से गए हैं, किसी वाहन से गए हैं, उसमें भी आप क्या करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, नुकसान होता है, उनकी संपत्ति का भी नुकसान होता है और उनको गंभीर चोटें आती हैं, तो फिर इसमें आपको बताया गया है कि 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है और 1,00,000 से लेकर 5,00,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो समझ रहे हैं आप, यदि स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा करते हैं तो आपका 3 माह से लेकर 5 वर्ष तक के लिए कैद और 50,000 से 2,00,000 रुपये तक का जुर्माना, और यदि आप उनको गंभीर चोट पहुंचाते हैं, उनके वाहनों में तोड़फोड़ करते हैं, उनकी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं, तो इस अध्यादेश इस कानून में ये संशोधन करता है कि उनके लिए 6 माह से 7 वर्ष के लिए कैद और 1,00,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और जो मुआवजा है जो पीड़ित को दिया जाएगा, जो भी स्वास्थ्यकर्मी होगा या जो भी उसमें ड्यूटी पे होगा, तो उसके लिए अपराधी से वसूला जाएगा मुआवजा, और जो संपत्ति का नुकसान किया है, तोड़फोड़ की है, उसकी क्षति की भरपाई भी किससे की जाएगी, उसकी क्षति की भरपाई भी की जाएगी किससे भी, अपराधी से। और इसमें प्रावधान है कि संपत्ति का जो नुकसान का जो भरपाई करनी होगी वो बाजार मूल्य से कितनी होगी, दुगनी होगी। जो चीज़ यहाँ 2 रुपये की बाजार में, तो उससे कितने रुपये ले जाएंगे, 4 रुपये ले जाएंगे उस वस्तु के। तो समझ रहे हो, तो इसको आप नोट कर सकते हो, इन फ्यूचर इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑर्डिनेंस 22 अप्रैल 2020 को ये लाया गया है, ठीक है, महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुई झड़पों के, जो हिंसा हुई है उनके साथ जो बुरा बर्ताव हुआ है, उसको लेकर ये प्रावधान किया गया है, ऐड किया गया है। क्लियर हुई बातें, ठीक। अब ये मैंने 3 पॉइंट आपको समझा दिए, आशा करता हूँ सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे कि लॉकडाउन में क्या प्रावधान, 1857 का जो एक्ट है उसके तहत ये लगाया गया, इसमें धारा 2, 3, 4 लागू प्रवर्तन हैं, और जिसकी धारा 3 के तहत आईपीसी की धारा 188 लागू होती है, तो आईपीसी की धारा 188 क्या, वो मैंने आपको समझा दिया, नोट करा दिया। उसके बाद अभी एक ऑर्डिनेंस आया, उसके बारे में भी हमने ब्रीफली चर्चा कर ली। मैंने कम शब्दों में, छोटी वीडियो में, सरल भाषा में आपको ये सारा कुछ समझाने का प्रयास किया है, ठीक है, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। एक बच्चे का क्वेश्चन था, सर ये कोविड-19 क्या है, कोविड-19, तो आपको बता दूं, ये कोई जो इसका को है, इससे मतलब है कोरोना, और वीआई से मतलब है वायरस, और डिजीज और 2019, तो कोरोना वायरस डिसीज 2019, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दीजिए कोविड-19, ठीक है।
तो आशा करता हूँ सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको बाकी ये सारी बातें समझ में आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरीके के जो पॉइंट है मैं आपको आगे भी लाता रहूँगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूंगा। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।